मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का पाक तंत्र कितने प्रकार का होता है। फिर उससे पहले मैंने पाक तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। अब मैं पाक तंत्र के प्रारूप कैसे होते हैं और किस शेप में दिखते हैं पाक तंत्र, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे एक होता है वृक्षाकार पाक तंत्र। वृक्षाकार पाक तंत्र होता है या डेंड्रिटिक बोलते हैं, डेंड्रिटिक पाक तंत्र बोलते हैं या पाक प्रारूप बोलते हैं इसको। मतलब जैसा पता चल रहा है नाम से कि वृक्षाकार पाक तंत्र। इस अपवाह तंत्र में होता क्या है, मुख्य प्रकार यह होता है इसका कि जब अपवाह तंत्र का प्रारूप जो होता है, जहां अपवाह तंत्र में मिलता है या नदियां उससे मिलती हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है वृक्ष के आकार में हो, मल्टीपल रिवर्स उससे आके कनेक्ट हो जाए, वो होता है वृक्षाकार अपवाह तंत्र। जैसे गंगा का अपवाह तंत्र, यमुना का अपवाह तंत्र, महानदी का अपवाह तंत्र, इसको आप लोग देखेंगे जब इनको, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे इस आकार में रिवर्स आके जो है मुख्य रिवर्स से कनेक्ट होती है। उसके बाद आता है आपका पर्वतीय अपवाह तंत्र, पर्वतीय नदियों का अपवाह तंत्र का प्रारूप, ठीक है। जब नदियां अपने मुख्य नदी के ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आके उससे मिलते हैं, जैसे एक नदी बह रही है दूसरी नदी 90 डिग्री पे आके उससे कनेक्ट हो जाए उसी ढाल में, उसको हम बोलते हैं पर्वतीय नदियां, नदियों का अपवाह प्रारूप, ठीक है। उसके बाद आता है अब केंद्रीय प्रारूप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक केंद्र से निकलने वाला सिस्टम, ठीक है। तो ऐसी नदियां जो किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर सारे दिशाओं में जिधर ढाल मिला उनको उधर बहाना शुरू कर दे, उसे अब केंद्रीय नदियां कहते हैं, केंद्रीय नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पहाड़ी नदियों में, जैसे मरकंटक की पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी, सॉरी नर्मदा नदी, सोन नदी, जोजिला नदी, महानदी, उनका से कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए मरकंटक का पर्वत है और यहाँ से नदियां निकली और अपने जिस दिशा में उन्होंने ढाल पाया उस दिशा में बहना शुरू कर दी, ठीक है। एक होता है अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियों का अपवाह तंत्र या अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रारूप, ठीक है। जब नदियां अपनी घाटी में कटाव करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी घाटी में ही वो कटाव करना शुरू कर दें, जैसे आप चंबल रिवर के बारे में देखेंगे जो चंबल के बिलों का निर्माण कर देती है, ठीक है, या वहां चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसमें आप देखेंगे कि वो मिट्टियों को काटती है, इसलिए वहां बड़े बड़े खंडहर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चंबल हुई, बनास रिवर हो गई, इस तरीके का अपवाह तंत्र होता है उसका, ठीक है, जिसे अध्यारोपित अपवाह तंत्र हम कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रिवर, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश की नदियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तब तक मिल रहे हैं अपने पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।